आज इस राष्ट्र पार्लियामेंट में देश के प्रमुख वामपंथी संगठनों के नेतागण और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे छात्र नौजवान, जिस बात को लेके आप जब नारा लगा के आ रहे थे, जिस बुलंदगी के साथ जिस बात को पहुंचा रहे थे कि ये देश हमारा है, ये देश के समस्याओं को लेकर जो जॉइंट आंदोलन का ऐलान ये वामपंथी छात्र संगठनों की तौर से हुआ, उसके आह्वान पे आप यहाँ पहुंचे हैं। आप सबको हमारे संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। आज जैसे बताया कि हमारी समस्याएं और जिस तरह का साजिश एक रची जा रही है दिल्ली की गलियों में, आप जिस तरह का नारे इनकलाब का नारा या लाल झंडा बुलंदी में था, जो दुनिया की ताकत कोई भी अगर हम मक्कम आए, अगर हमने ठानी, तो दुनिया की कोई भी ताकत वामपंथ को नहीं रोक सकता है। वामपंथ की ताकत को चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार जितनी भी कोशिश करने के बाद, जितना भी दुष्प्रचार के बाद कि कॉमरेड ऐसे होते हैं, ये होते हैं, इसके बावजूद एक लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर वामपंथ के प्रति एक रुझान है। आम छात्र नौजवान वामपंथ की तरह प्रभावित होंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज सवाल, आज इस महंगाई के दौर पर पूंजीवादी आर्थिक संकट के कारण आज लोगों की स्थिति इतनी सरगला गई है, आज ये पूंजीवादी शोषण के कारण आज लोगों का जीवन इतना दुर्गम होता चला है, आज गरीब माँ बाप कितनी मुश्किल से एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और उस पढ़ाने के बाद आपको पता चलता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने, ये बीजेपी की सरकार ने 11 लाख पद एक ही साल में खत्म कर दिए। आप जिस आशा उम्मीद में एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है, ये आशा उम्मीद के बाद पता चलता है कि एक पोस्टर ही सरेंडर कर रहे हैं, नौकरियां एक के बाद एक खत्म कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ आंदोलन की आवाज जो उठाएगा, उस आंदोलन की तरफ जो आवाज उठाएगा, उसकी तरफ विद्यार्थी नौजवान लामबंद होंगे। और वामपंथ की ये ताकत है, एक पुराना ट्रेड यूनियन का नाता नारा है कि जब तक दुनिया में भूखा नंगा इंसान रहेगा, दुनिया में तूफान रहेगा। ये दुनिया का तूफान यही बात को लेकर है कि लोगों की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, इसीलिए ये एक संकेत है आने वाले दिनों की, एक भयंकर परिवर्तन, एक आंधी का संकेत हमने दिया। और दोस्तों, यही नरेंद्र मोदी बीजेपी आरएसएस की जो सरकार अमल कर रही है, ये नीति जो मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव ने 90 के दशक में लाई थी, उदारीकरण की नीति, रुष्टीकरण की नीति, इस नीति के खिलाफ आंदोलन तेज करना पड़ेगा। बीजेपी कांग्रेस आए, बीजेपी आए, ये सत्ता का परिवर्तन, ये सत्ता की अदला बदली है, ये सत्ता की अदला बदली के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। जो नीति इंसान को खत्म कर रही है, जो नीति बच्चों को स्कूली शिक्षा महंगी कर रही है, जो नीति आज हमारी नौकरियों खत्म कर रही है, जो नीतियों के कारण हमारी माँ बहने आज सुरक्षित नहीं है, यही नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज करना पड़ेगा। इस आंदोलन की आह्वान करने के लिए यहाँ तमाम संगठनों ने जो यहाँ आज लामबंदी की, इसी को हम आने वाले दिनों में और तेज करेंगे। फैज अहमद फैज का एक शेर करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि हिंदी हमेशा जुल्म से उलझती रही है खल्क, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं है, यूं ही हमेशा खिलाए हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद।